नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं काविंद्र चौहान। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है लखीमपुर खीरी में हुई घटना, इसलिए चलिए बुलेटिन की शुरुआत भी लखीमपुर खीरी से आ रही इस खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में हुए बवाल के बाद अब गाजियाबाद की सपा युवा वाहिनी ने गाजियाबाद के डीएम दफ्तर के बाहर पहुंचकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समाजवादी के नेता विक्की ठाकुर ने तस्वीर फाड़ दी। वहीं तस्वीर फाड़ने की वजह से गाजियाबाद के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि विक्की ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। तो गाजियाबाद से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर सपा के नेता, सपा युवा वाहिनी के नेता, आपको बता दें विक्की ठाकुर, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर फाड़ दी, जिसको लेकर अब बवाल हो चुका है। ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो जल्द ही विक्की ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। वहीं लखीमपुर में हुई किसानों पर हिंसा को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां किसानों का समर्थन करने लखीमपुर पहुंच चुकी हैं। इसी कड़ी में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग की घटना से की है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार आंदोलन को कुचलती थी, अब सरकार आंदोलनकारियों को कुचलती है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीतापुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। लल्लू ने कहा कि जब तक प्रियंका गांधी लखीमपुर नहीं जाती, तब तक वो वापस नहीं लौटेंगी। तो अब जो है विपक्ष का जाने का सिलसिला है लखीमपुर खीरी, वो लगातार जारी है। ऐसे में पुलिस की तरह से हर जगह सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि विपक्ष के जो नेता हैं वो लखीमपुर खीरी ना पहुंच सके। वहीं लखीमपुर घटना में मारे गए नानपारा के किसान के पीड़ित परिवार से समाजवादी पदाधिकारी मिलने गए थे, जिसके बाद बहराइच के नानपारा में सपा कार्यकर्ताओं ने सपा जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका है। वहीं मौके पर के ओझा, दिलीप वर्मा, साइश्ता परवीन आलम, सरहदी पूर्व मंत्री वंशीधर बौद्ध, पूर्व विधायक रमेश गौतम के साथ ही भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता रहे हैं कि लखीमपुर में चार किसानों की मौत हुई थी, जिसमें से दो किसान बहराइच के थे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका है। बहराइच से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर अब लखीमपुर खीरी में तो चार किसानों की मौत हुई है, जिसके बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लेकर हंगामा हो रहा है। ऐसे में तस्वीरें जो है बहराइच से आ रही हैं, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका है। पीछे से तीन गाड़ियां आई और कुचल के चली गई और हमारे और भी किसान भाई शहीद हो गए। आपके पिता यहाँ नानपारा से लखीमपुर कैसे गए थे, किन रास्तों से गए थे, किन गाड़ी से गए थे, कैसे गए? मोटरसाइकिल से गए थे। मोटरसाइकिल किसके, किसी का फोन आया था? किसान कॉल आई थी। क्या कोई प्रलोभन दिया गया था कि यहाँ आकर प्रोटेस्ट करें जी? कोई प्रलोभन दिया गया था किसी प्रकार का? तो कोई तो सर चल ही रहा है, बहुत दिन से चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। वही लखीमपुर में प्रोटेस्ट कर रहे थे जी? घाट। कितने दिन से कर रहे थे वहाँ प्रोटेस्ट? कल ही था, कल ही था, कल ही गए थे। आप भी थे वहाँ जी? क्या हुआ था वहाँ सर? शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, पीछे से गाड़ियाँ आई, कुचल के चली गई। कोई मांग सरकार से आपकी जी? क्या मांगे हैं सरकार से आपकी? बिल के बिल वापस ले ले अपना। नहीं, आपके पिता, आपके पिता की दर्दनाक मौत हुई है, उस विषय पे सरकार से कोई मांगे हैं आपकी? क्या मांगे? उनको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। वहीं आगरा के सदर थाना क्षेत्र में बीजेपी के पूर्व जिला महामंत्री प्रेमचंद्र कुशवाहा की गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बताया जा रहा है कि कार घर के बाहर प्लॉट पे खड़ी थी, आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि घर में भी आग लगाने की कोशिश की गई, इसकी सूचना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो आगरा से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर बीजेपी के पूर्व जिला महामंत्री की गाड़ी में आग लगाई गई, साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि उनके घर पर भी आग लगाने की साजिश की गई थी। आपका प्रेमचंद कुशवाहा। तो क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? आज रात्रि करीबन 2 बजे के करीब हमारे जो बीच वाले भैया हैं, उन्होंने मुझको आकर के बताया, जब वो पेशाब करने के लिए आए तो उन्होंने देखा गाड़ी में से धुआं आ रहा था। अच्छा जी। तो उन्होंने बुझाने की कोशिश की, तो जो पाइप है आप पीछे देख सकते हैं, जो हमारी लेजम लगी हुई है समझ, वहीं था। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी में से धुआं आ रहा, पानी लेकर के आओ। मैंने बोला ठीक है।
अब मैं गेट के बाहर आया तो मेरा दरवाजा भी बंद था, ये देख कर के मैं चकित रह गया। मैंने दो तीन बार खोलने का प्रयास किया मगर नहीं खोला। फिर मैंने भाई को आवाज़ लगाई, फिर भाई ने मेरा दरवाजा खोला, तब मैं और हमारे परिवार के लोग आ गए। फिर समर चला करके, पाइप चला करके, साजिश इसके पीछे, हाँ ये मेरे किसी प्रतिबंधी हमारे जो दुश्मन है उसकी ये साजिश है ये। अच्छा, और क्योंकि इसके बाद हमने जा करके देखा हमारा जो जंगला है, जंगले में से भी अंदर जो है क्या पेट्रोल को उड़ेला गया है। अच्छा, तो उनकी प्लानिंग ये रहा है कि पहले गाड़ी में आग लगा दी जाए और फिर उसके बाद में इनके मकान में लगाएंगे, जिससे ये भाग भी नहीं पाएंगे इलाज के लिए। मतलब हत्या के इरादे से उन्होंने, हत्या के इरादे से उन्होंने इस घटना को अंजाम। कौन लोग हो सकते हैं? अब कोई भी हो सकता है, बिना देखे नहीं देख सकते। पुलिस आई थी? हाँ, रात को फायर ब्रिगेड आई थी और 112 की भी गाड़ी आई थी। उन्होंने बोला सुबह जा करके कंप्लेंट करा देना। अच्छा, तो मैं अपने स्तर से जानकारी कर रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो रंजिशन उसने इस घटना को अंजाम दिया है, और उनकी जो प्लानिंग थी, जो मंशा थी, मुझे और मेरे परिवार की हत्या करने की साजिश थी। एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र के कासगंज रोड स्थित गांव अल्लेपुर में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक खड़े ट्रक पे पीछे से मजदूरों से भरी कैंटर घुस गई, जिसके चलते हादसे में मासूम सहित दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसी के साथ ही दो दर्जन से ज्यादा मजदूर घटना में घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये रात सुबह के भोर के टाइम में लगभग ये हमारे पास आया केस एक्सीडेंटल का, जिसमें से हमने यहाँ से प्राइमरी मैनेजमेंट जो हो सका यहाँ पे सारी सुविधाओं के साथ सारा अपना बेस्ट एफर्ट देके उन्हें मैनेज किया, और यहाँ से हमने लगभग 21 के लगभग रिफ़र किया है बदायूं मेडिकल कॉलेज के लिए, क्योंकि वो जो लोग थे वो बेसिकली बरेली से बिलोंग करते थे। वहीं दर्शकों, गोंडा के एटिया थोक थाना क्षेत्र में स्थित राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना करने मंदिर के महंत सीताराम दास और चेले सम्राट पहुंचे थे। दबंगों ने महंत और चेले सम्राट की जमकर पिटाई कर दी। दबंग ने लात और घूंसे से मंदिर के महंत और चेले की पिटाई की है। वहीं ये पूरे वाक्य का किसी ने वीडियो बना लिया। पीड़ित महंत का आरोप है कि अमर सिंह और उसके सहयोगियों ने पिटाई की है। पुलिस ने घायल महंत को जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए भर्ती करा दिया है और मामले की कार्यवाही में जुट गई है। तो गोंडा से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर महंत और उनके शिष्य की, उनके चेले की पिटाई कर दी गई, जिसका कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो जो है वो वायरल किया जा रहा है। तो मंदिर के महंत पर दबंगों ने हमला किया है। ये गोंडा से तस्वीरें सीधी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और पूरी घटना का जो वीडियो है वहां मौजूद किसी ने बना लिया, जिसके बाद अब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। यूपी के शामली में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर से मेला देखने के लिए निकला था, तभी बदमाश उसके पीछे लग गए, इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना अब पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो शामली से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर मेला देखने गए युवक को कुछ लोगों ने घेर कर मार दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया है और इसकी सूचना जो है वो पुलिस को दी है। बदमाश घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि युवक जो है जिसके गोली चलाई गई है, युवक अपने घर से मेला देखने के लिए निकला था, तभी बदमाश उसके पीछे लग गए, इस वारदात को अंजाम दिया बदमाशों ने और इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एक युवक था, वो गन शॉटिंग करेगा, उसको लोग ले गए थे कुछ जी। तो जब वो ला गया, यहाँ पे लाया गया था, उसमें सांस नहीं थी, वो ब्रॉड डेड था जी। तो हम उसको एग्जामिनेशन करने के बाद ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। तो उसके बाद जो है काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई जी। पुलिस भी आई थी? हाँ, पुलिस आई। क्या इस हाथ में गोली लगी थी? हाँ, गन शॉटिंग करी। वहीं लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद दिल्ली बॉर्डर के पास भी इसका असर देखने को मिला है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए गाजियाबाद और नोएडा पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए हैं। नोएडा से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है।
भीषण जाम की वजह से दिल्ली से होकर नोएडा आने के लिए लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है। लंबा जाम होने की वजह से नोएडा पुलिस ने डीएनडी पर बैरिकेड्स लगाए हैं। इसकी वजह से लंबी कतारें लग गई। कई जगहों पर डीएनडी पर भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली से नोएडा वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। तो ये तस्वीरें हैं नोएडा और गाजियाबाद पर भी लखीमपुर खीरी में जो पूरी घटना हुई है उसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं जिसको लेकर अब बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिस दिल्ली से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों की चेकिंग कर रही है, लगातार जांच कर रही है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में जो अलग से जो लोग हैं, नेता हैं, जो पार्टियों के लोग हैं, उनको जाने की इजाजत नहीं है। ज़्यादा संख्या में जो लोग उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं रास्तों से, उनको जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में पुलिस जो है चेकिंग व्यवस्था लगाकर खड़ी हुई है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। आपको लगातार बता दें कि नोएडा और गाजियाबाद में जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लगातार पुलिस चेकिंग कर रही है, जिसके चलते यहां के आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। नोएडा और गाजियाबाद से ये तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं मेरठ में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मेरठ हाईवे पर कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट से वापस लौट रहे कार चालक को नींद की झपकी लग गई जिस कारण तेज रफ्तार कार टोल प्लाजा के पास खड़े ट्रक में जा घुसी। इसके चलते कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जिसमें 8 महीने की एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। आसपास के लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी के साथ ही घायल मासूम को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो मेरठ से दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर एक बार फिर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेरठ हाईवे पर कार और ट्रक के बीच ये भीषण टक्कर हुई थी जिसके चलते 5 लोगों की, और ये 5ों लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिनकी इस घटना के चलते मौत हुई है। साथ ही एक मासूम बच्ची की भी गंभीर हालत बताई जा रही है जिसको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं बिजनौर में सालों पहले विलुप्त हुए प्रजाति के वन्यजीव पेंगोलिन की तस्करी करने वाले गैंग का एसपी की स्वाट टीम और पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इसी के साथ ही तस्करों के पास एसपी की स्वाट टीम और पुलिस ने पेंगोलिन नामक प्रजाति के एक वन्यजीव को बरामद भी किया है। बताया जा रहा है कि गैंग में 15 लोग शामिल हैं, सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंग में एक बिहार का रहने वाला एसटीएफ का जवान भी शामिल बताया जा रहा है जो 1 महीने की छुट्टी पर आया हुआ था। फिलहाल पुलिस ने तस्करी करने वाले गैंग के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो बिजनौर से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर वन्यजीव तस्कर गैंग को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि यहां पर एसटीएफ का एक जवान भी शामिल बताया जा रहा है, और ये जवान जो शामिल बताया जा रहा है इस पूरे गैंग में, वो 1 महीने की छुट्टी पर आया हुआ था। ये जवान एसटीएफ में तैनात था लेकिन 1 महीने की छुट्टी पर आने के बाद ये तस्करी की इस घटना को, इस पूरी जो वारदात है इसको अंजाम दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने तस्करी करने वाले गैंग के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। बिजनौर जनपद के नगीना देहात पुलिस एवं स्वाट पुलिस ने एक प्रतिबंधित वन्य जीव पेंगोलिन को पकड़ा है। इसके साथ में 15 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। इन 15 तस्कर में से बिहार और हरियाणा के भी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। एक इसमें से एसटीएफ का सिपाही बताया जा रहा है जो बिहार का रहने वाला है, 1 महीने छुट्टी पर था, वो भी इस गैंग में शामिल था। तस्करी करते हैं, तस्करी की कीमत जब विदेश में भेजते हैं तो बताते हैं 3 से 4 करोड़ तक रुपए में इसकी तस्करी होती है। ये लुप्त हो जाती है, लुप्त होने के कगार पर है। इसकी लोग अनेक उद्देश्यों से तस्करी करते हैं। डीएफओ एवं यहाँ के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, मुजरिमों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उसके लिए डीएफओ द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मथुरा के फरहा इलाके में स्थित पंडित दीनदयाल धाम में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जन्मतिथि मनाई गई, जहां पर उनके अनुयायियों ने की तरफ से विधि विधान के साथ हवन यज्ञ भी किया गया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हुए नमन किया गया। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। साथ ही बताया कि आज दीनदयाल जी की जन्मतिथि मनाई जा रही है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि पंडित दीनदयाल जी की तरफ से
बताए गए मार्ग पर चलकर आज देश दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है। आगे भी इसी तरह से देश आगे बढ़ता रहेगा। तो मथुरा से तस्वीर आप देख सकते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया गया, उनकी जो उनका जन्मदिवस है 105वां जन्मदिवस जो है वो मनाया गया। ऐसे में काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है और आगे भी इसी तरह से देश आगे बढ़ता रहेगा। बताए हुए मार्ग पर चलकर आज भारतवर्ष विश्वगुरु बनने जा रहा है। पंडित जी के मार्ग पर चलकर आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पंडित जी के सामने मार्ग पर चलते हुए आज विश्व के सबसे लोकप्रिय और सबसे शक्तिशाली नेता है। ऐसा पुण्य आत्मा, ऐसी पुण्य आत्मा ने भगवान श्री कृष्ण के बाद पृथ्वी में है जन्म लिया। हम सब इसके लिए धन्य हैं। पंडित जी के आदर्श, पंडित जी के बताए हुए मार्ग हमेशा हमारे भारतवर्ष के और दुनिया में सुख शांति और संपन्नता के लिए एक स्थायी रूप से रहेंगे। मैं बलरामपुर में डीएम और एसपी के तमाम आदेशों के बाद भी तुलसीपुर और पचपेड़वा में अवैध वाहन अड्डा शुल्क के वसूली का मामला थमता नजर नहीं आ रहा। रविवार को तुलसीपुर नगर पंचायत के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित इटवा चौराहा वाहन अड्डा पर वाहनों से अवैध वसूली के कारण बड़ा हंगामा हो गया। अवैध शुल्क वसूलने के कारण स्टैंड कर्मी अमित कुमार और लखीमपुर निवासी ट्रक चालक रियासत अली में जमकर मारपीट हो गई। इससे आक्रोशित ट्रक चालक ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक खड़ा कर चक्का जाम कर दिया। दोनों तरफ बड़े पैमाने पर जाम लग गया। इस कारण आम जनमानस को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मेरे पास पैसे देने, आप कहां से हैं? मैं जिला लखीमपुर खीरी से, मेरी गाड़ी का नंबर है UP 3180 41 71। क्या हुआ आपके साथ? आपकी गाड़ी है, मेरे पास पैसे थे नहीं, 20-30 रुपए पड़े हुए थे। मेरा मोटर मालिक ऑनलाइन तेल डलवा, ऑनलाइन फास्टैग, ऑनलाइन सब चीज करता है, मुझे 100-200 रुपए खाने का देता है। मेरे पास ये 20-30 रुपए खाने के पड़े थे और 20,000 रुपए मेरी गाड़ी में रखा था। यहाँ पे मैंने नगर पालिका नहीं दिया तो मुझे बाइक से दौड़ा के ले गए। 3 बंदे थे और बहुत मोटे मोटे लठ थे उनके पास। मेरी गाड़ी पे पत्थर से गाड़ी को मेरी तोड़ा और तोड़ने के बाद डंडे से मारा। मेरे गेयर बक्स के पास 20,000 रुपए रखे थे, 20,000 रुपए मोटर मालिक के उठा के ले गए। वहीं लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद जहां सभी जिलों में सरकार के खिलाफ किसानों का उग्र आंदोलन चल रहा है, वहीं मथुरा में भी भारतीय किसान यूनियन के नेताओं और किसानों की तरफ से जगह जगह पर आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें एक तरफ डीएम कार्यालय पर सैकड़ों किसानों की तरफ से घेराव किया जा रहा है, तो वहीं यमुना एक्सप्रेस वे के मांट टोल प्लाजा पर किसानों की तरफ से कब्जा करते हुए बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं एक्सप्रेस वे पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो मथुरा से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर किसान जो है लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई कल उसको लेकर अब किसानों का जो उग्र प्रदर्शन है वो यहाँ भी देखने को मिला है। तो मथुरा में ये एक्सप्रेस वे के बीच में किसान जो है वो बैठ गए हैं, उन्होंने मोंटाल प्लाजा पर बैठकर प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई ये हंगामा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सरकार के खिलाफ क्या मामला है? देखिए ये जो कल लखीमपुर खीरी में हमारे किसान शहीद हुए हैं और जो बर्बरतापूर्वक उनकी हत्या की गई है, हम सरकार के खिलाफ हमारा आदेश था संयुक्त मोर्चा का। एक तो सभी जिला अधिकारियों को घेरना था तो मथुरा जनपद में वहाँ जिला अधिकारी कार्यालय को घेरा गया और यहाँ पे मार टोल एक्सप्रेस टोल है ये यमुना एक्सप्रेस वे का, इसको जाम किया गया है। तो कितनी देर तक जाम चला है यहाँ पर? अभी जाम चल ही रहा है और ये जाम चलेगा क्योंकि क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि जो शहीद हुए हैं उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए और राष्ट्रपति के नाम हम ज्ञापन भी देंगे, तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करके यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और जो घायल है उनको 25,000 रुपए और जिन्होंने ये बर्बरतापूर्वक ये घटना की है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके उनको जेल भेज दें।
लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन की घटना को देखते हुए आगरा में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। यहां किसान नेताओं पर पुलिस की खुफिया नजर है, साथ ही राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। कुछ किसान नेताओं ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के घेराव का ऐलान किया है और इसको देखते हुए भी पुलिस प्रशासन ने रणनीति बनाई। वहीं दूसरी तरफ सपा नेता अखिलेश यादव को नजरबंद किए जाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों के प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो आगरा से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर किसान नेताओं ने कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया, लेकिन साथ ही प्रशासन जो है वो भी अलर्ट मोड पर है, लगातार नजर पुलिस प्रशासन बनाए हुए है। तो किसान नेताओं पर पुलिस की खुफिया नजर है। तो ये आगरा से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर किसान नेताओं पर पुलिस जो अपने लोकल इंटेलिजेंस है उसके जरिए खुफिया नजर बनाए हुए है, लगातार किसान नेताओं पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में आज किसान नेताओं ने लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर उसका घेराव किया, प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं हरदोई में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां बेलग्राम कोतवाली इलाके में आईटीआई के पास रोडवेज बस और मैजिक की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में मैजिक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस घटना में 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जिसके बाद घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में दोनों वाहन अनियंत्रित हो गए, जिसके बाद ये हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में पुलिस जुट गई है। आज सुबह बेलग्राम कन्नौज मार्ग जो है वहाँ पे एक रोडवेज की बस और मैजिक में आमने सामने की भिड़ंत हुई थी, जिसमें उस भिड़ंत में लगभग 14 लोगों को चोटें आई थी, जिसमें मैजिक चालक धीरेंद्र जो हैं लगभग 40 वर्ष उम्र है उनकी मृत्यु हो गई है। शेष 13 लोग घायल हैं जिनको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जो मृतक हैं उनकी पंचनामे की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जाएगी, आगे जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये घटना कैसे घटी? ये कन्नौज से बिलाराम आ रहे थे गाड़ी लेके, मैजिक लेके, और ये मेवरा मोड़ के आगे रोडवेज वाले ने टक्कर मार दी। किस तरह सूचना पुलिस को दी? अबे हमारे गांव के लोग थे, ये इनकी ड्राइवर लोग, उनको मतलब उन्होंने हमें सूचना दी। शिवराम हो गया। क्या नाम है ड्राइवर का? मोनू शुक्ला। ये मोटरसाइकिल बचाने के चक्कर में हुआ, सीधे मैजिक ने आके सीधे मैजिक ने गुजर दी उसमें। कहाँ गाड़ी पे? में कहाँ पे? ये है का नाम जलालपुर के आगे जो है आईटीआई के बगल में। अच्छा। मैजिक की गलती अगर देखा जाए, मैजिक की गलती है। अच्छा। मैजिक ने आके सीधे मैजिक ने ही गुजर दी। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके तहत किसानों की तरफ से देश के तमाम डीएम दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा किसान मोर्चा की तरफ से अपनी दो मांगे भी साफ तौर पर रखी गईं। किसानों का कहना है कि केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनके बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए। जहां हजारों की संख्या में किसान पहुंचे, तो वहीं मीडिया कर्मियों को गोदी मीडिया के नाम पर रोक दिया गया। तो लखीमपुर खीरी का आपको ये मामला बता रहे हैं जहां पर कल एक घटना हुई थी, जिसके चलते अभी तक फिलहाल 9 लोगों की उसमें मौत बताई जा रही है, जिसमें 4 किसान तो वहीं 5 अन्य हैं, जिसमें से 4 जो है वो बीजेपी समर्थक बताए जा रहे हैं, तो वहीं एक पत्रकार की भी इसमें मौत हुई है। तो लखीमपुर खीरी का पूरा मामला है। अब इसको लेकर जो किसान है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि मंत्री को बर्खास्त किया जाए और साथ ही उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।